ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सब साहूणम तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम वणुपेहाओ भविय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सतन्द्र वंदित देव श्री अरहंते को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो भव्य को सुख कर अहो।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत हम सभी संसार भावना की चर्चा कर रहे हैं और संसार भावना में पांच प्रकार के इस परावर्तन की चर्चा में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इसमें कल हम सभी ने भव परावर्तन तक की चर्चा को देखा था। भव परावर्तन की चर्चा में अन्वयार्थ से विषय देखेंगे तो स्मरण आ जाएगा, संसारी जीव नरकादि चार गतियों की जगन स्थिति से लगाकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत तक सब अवस्थाओं में ग्रेव्यक पर्यंत तक जन्म पाता है, यानी हर अवस्था में इसका जन्म मरण होता है। कौन सी? संसारी अवस्था में नरकादि की जगन आयु से लेकर के और उत्कृष्ट आयु के जितना भी काल है, उस काल में एक एक समय में वहां पर जन्म मरण का क्रम चलता है। यद्यपि कर्णानियों की भाषा को जब विधिवत हम उस पद्धति से अध्ययन करते हैं तभी वह विषय विशेष स्पष्टीकरण होता है। यह तो बताने के क्रम में इतनी सारी व्याख्या की गई है, वास्तव में ये सारा, चाहे द्रव्य परावर्तन हो, क्षेत्र हो, काल हो, भव और भाव, ये सब अनंत काल ही है। लेकिन उस अनंत काल की भी जो मर्यादा है वह क्रम क्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव में अनंत अनंत गुणी वृद्धि को प्राप्त होती है। इस तरह कल हम सभी ने भाव परावर्तन की चर्चा की थी, आज भाव परावर्तन की चर्चा करते हुए दो गाथाओं के साथ में यह संसार भावना पूर्ण होगी। आइए पहले पढ़ेंगे 71 नंबर की गाथा। परिणम दी सन्न जीवो विवेह कषाही दिठिण में ते हिम अणुभागाणी मिथ्येहिम या वठंतो भाव संसारे। हिंदी अर्थ: बहुभांति स्थिति बंध अरु अनुभाग में कारण अहो परिणमन करता जीव संगी वर्तता जग भाव में वर्तता जग भाव में। अन्वयार्थ: भाव संसारे वठंतो, भाव संसार में वर्तता हुआ जीव, दिठीण मिथ्ये हिम अनेक प्रकार की कर्म की स्थिति बंध को कारण या अनुभागान मिथ्ये हिम और अनुभाग बंध को कारण विवेक कसाहे हिम अनेक प्रकार के कषायों से सन्नी जीवो सेनी पंचेंद्रिय जीव परिणमदि परिणमता है। देखिए भाव संसार का बड़ा सरल शब्द में अर्थ यदि हम पकड़े, क्योंकि इसकी व्याख्या थोड़ी सी क्लिष्ट प्रतीत होती है, तो सरल अर्थ समझें, भाव प्रति समय जीव का जो परिणाम चल रहा है उस परिणाम के अनुसार होने वाली स्थिति बंध, वह कर्म का स्थिति बंध, उनका अनुभाग बंध। स्थिति बंध मतलब वह कर्म कितने काल का है, अनुभाग बंध मतलब उसका उदय कैसे आएगा, ऐसे अनेक प्रकार के कसायों से सैनी पंचेंद्रिय जीव परिणमता है। अभी विचार करना, एक समय जो परिणाम जीव का हो रहा है उस परिणाम में एक समय का कर्म बंध कितना, उसका उदय एक ही समय का है कि दीर्घकालिक हो सकता है? क्या कह रहे हैं? परिणाम एक समय का, उसकी स्थिति और अनुभाग का पावर बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी हमने विचार तो किया था एक समय का, कोई विकल्प आया था वहां परिणाम विकार रूप परिणत हुए, लेकिन जब वह उदय में आया तो हो सकता है वो सागरों पर्यंत तक की स्थिति वाला हो जाए, वर्षों तक उसका उदय चले। कल्पना करके देखो, एक प्रथमानियों का दृष्टांत आपको ध्यान में होगा। हाँ, सीता जी के जीव ने पूर्व भव में किसी दिगंबर मुनिराज और आर्यका को, जो कि उसी भव में भाई बहन की तरह उनका वह था, उनको मंत्रणा करते हुए ने देख लिया और देख करके मात्र मन में एक विकल्प उत्पन्न हुआ। क्या विकल्प हुआ? यह जो है इनका विकार परिणाम है, यह योग्य कार्य नहीं है, और इस बात को उन्होंने चर्चित किया। एक समय का परिणाम था, न जानती थी कि क्या है कैसा है, लेकिन कषायुक्त परिणाम चल रहा था ना, तो कषाय परिणाम के कारण उस परिणाम का फल कैसा आया कि अनेक बार वनगमन हुआ, निर्दोष होने पर भी बार बार उनपे दोष आए, परीक्षाएं हुई, प्रतिकूलताएं आई, क्लिष्ट आए। अब समझना, कर्म तो बांधा है कहने को एक समय का, उदय कितना लंबा चला। हाँ, एक और तरफ से सोचें,
पार्श्वनाथ और कमट के जीव का, चूंकि ये सब हम चर्चाएं इसलिए कर पाते हैं उदाहरण, क्योंकि प्रथमान योग में उल्लिखित हैं। केवल ज्ञानी ने भावावलियों को देखा है, उनके ज्ञान में झलका है और मुनि भगवंतों ने उसका निरूपण किया, इसलिए उदाहरण वहां से लिए जाते हैं। कमट और पार्श्वनाथ का बैर, बैर कहा जाता है, यद्यपि देखा जाए एक पक्षी बैर नहीं होता, दोनों पक्ष का बैर हो तो हम बैर नाम दें। एक पक्ष तो क्षमा धारण किया हुआ है, एक पक्ष कषाय कर रहा है। कितना लंबा चला, हमको 10 भावों की चर्चाएं तो प्रथमान योग में पढ़ने मिल जाती हैं, लेकिन विचार तो करके देखो, यह जो 10 भाव का बैर कमट के जीव ने पार्श्वनाथ से किया, या उसका कहना चाहिए उदय रूप में वह सामने खड़ा होता था हर बार आकर के, इसका बंध तो पार्श्वनाथ के जीव ने पूर्व भाव में कभी किया होगा ना, किसी समय का परिणाम होगा ना, तब तो उदय में आया। अब आप सोच सकते हो क्या पार्श्वनाथ के जीव ने भी 10 भाव में ये परिणाम किए होंगे, कि हो सकता है ये एक ही समय का परिणाम इतना दीर्घकालीन भी हो सकता है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, इन 5 परावर्तन में भाव परावर्तन को सबसे बड़ा रखा गया। द्रव्य से बड़ा क्षेत्र, क्षेत्र से बड़ा काल, काल से बड़ा भाव और भाव से बड़ा भाव, ये कहते हैं भाव परावर्तन, यानी एक एक समय के परिणाम का स्थिति और अनुभाग बंद कषाय अनुरंजित परिणाम से इतना हो सकता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव ये सब इसमें समा जाए। यद्यपि सब अनंत हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे के पूरे इसमें समा जाए तब भी यह पूरा ना हो, और यह संसार परिभ्रमण की कथा है। अपनी बात चलती है, हम ऐसे एक नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव रूप पंच परावर्तन अनंत कर चुके हैं। अनंत काल कह रहे ना, अनंत काल संसार परिभ्रमण तो कब से कर रहे हैं, अनंत काल से अनंत हो चुके हैं, और अभी भी भावों की संभाल पे ध्यान नहीं गया तो अनंत संसार बाकी है। क्या कह रहे हैं, निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। हम यानी विकल्प जालों में, विषय कषायों में, बाहरी उपयोग की भ्रष्टता में तो कितना पाप बांधते हैं, ये तो अलग बात है। अरे भैया, धर्म के नाम पे भी कितनी मन में असंतोष चलता है, विकताएं चलती हैं, विकल्प चलते हैं, सही धर्म का स्वरूप ना समझकर देवशास्त्र गुरु की असाधना का महापाप बंद करते हैं। अपनी बात चल रही है, मार्ग मालूम है हमारा कैसा है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। कोई हमारी निंदा करे तो उस समय भी तत्व विचार पूर्वक परिणामों की सावधानी करना, मार्ग ऐसा गजब का। अभी ऐसे सामाजिक प्रकरण चल रहे हैं, प्रसंग चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बड़ा विद्वेष का माहौल भी निर्मित हो जाता है समाज के बीचों में कभी कभी। बड़ा शांत माहौल चलता है, फिर एकदम विद्वेष का, क्या है ये, किसके लिए लड़ रहा है लोग, धर्म के नाम पे, किसके लिए, मैं धर्माधिकारी हूं, मैं धर्म को सही दिशा दूंगा। गजब की बात है, 3 लोक के नाथ जिनके ज्ञान में विश्व झलक रहा है, जो 3 लोक के स्वामी हैं, वे वस्तु व्यवस्था के विपरीत परिणाम ही नहीं है उनका, जैसा है वैसा जान रहे हैं वो, वैसा ही उनके ज्ञान में झलक रहा है। विकल्प भी नहीं है कि एक परमाणु मात्र का परिवर्तन कर दो, और जहां अपनी सामर्थ्य नहीं है वहां भाव कर करके अनंत संसार को बढ़ा। देखिए पढ़ते हैं क्या चर्चा आती है इसके भावार्थ में। कर्म की एक स्थिति बंध को कारण, कषाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। क्या कह रहे हैं, कर्म की एक स्थिति बंध का कारण, कषाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, मतलब जो कर्म बंध रहा है इस जीव को, उसकी स्थिति बंध आदि जो होता है यह असंख्यात लोक प्रमाण हो सकता है। एक एक समय का बंधने वाला कर्म, उसकी स्थिति कितनी, हाँ, ये दीर्घकालीन हो सकती है, असंख्यात लोक प्रमाण हो सकती है। उसमें एक स्थिति बंद स्थान में अनुभाग बंद को कारण, कषाय के स्थान को असंख्यात लोक प्रमाण है। कर्णानियों की भाषा में यद्यपि इसको समझना हो तो हमको पहले कर्णानियों की तरफ से वह चारों चीजें समझनी पड़ेंगी। कौन सी, कर्म बंद की प्रक्रिया, कर्म बंधते कैसे हैं, कि कर्म जब भी बंधते हैं तो उस बंद काल में स्थिति, अनुभाग और क्या कहते हैं, प्रकृति और प्रदेश, ये चारों उसमें साथ साथ जुड़ रहे। अब देखना किसी कर्म की स्थिति कितनी है और वह कितने प्रदेशों में बंधा है,
क्या कह रहा है, परिणाम तो एक पर वह कर्म की स्थिति कितनी, कितने प्रदेशों में बंधेगा और जब उसका फल आएगा तो किस रूप में आएगा, ये सब क्रम पहले से तय है। लेकिन जीव को ये समझ में नहीं आता, उसको ऐसा लगता है हमने तो ऐसा कोई परिणाम किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ इसी विषय को बीच में रोक करके, आप बताओ अभी इस समय हमारा परिणाम कैसा हो रहा है? स्वाध्याय करने बैठे हैं ना, धर्ममय है परिणाम, कषायमय परिणाम है, कैसा परिणाम है? पहली बात, धर्ममय है कि कषायमय है? अच्छा चलो, दूसरी बात को भी और शॉर्टिंग करते हैं, अशुभ राग रूप तीव्र कषाय है कि शुभ राग रूप धर्म मंद कषाय? मंद कषाय। हम इसको सीधे कौन से भाग में डाल दे रहे थे, धर्ममय परिणाम है सब हमारे तो धर्म है। यदि यही धर्म होता, इसी को धर्म कह रहे होते, तो शुभ में ही संतुष्ट होकर के मोक्षी हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें पता ही नहीं इस समय भी परिणामों की तारतम्यता ऐसी है कि जिस समय हम सोच रहे हैं धर्म कर रहे हैं विकल्प जंजाल से, उस समय भी भाव बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, इस समय भी भाव बढ़ रहे हैं। बोले साहब अभी ये करते समय भी संसार वृद्धि ही हो रहा होगा तो संसार अभाव तो होने ही नहीं वाला फिर तो, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि धर्म से जुड़ेंगे, भाव सुधरेंगे तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे और परिणाम अच्छे होंगे तो अच्छा भाव आएंगे। अभी आप सुनना, अच्छे परिणामों से अच्छे भाव आएंगे, यह जो सोच है ये भाव के अभाव की है, भाव से रहित अपने को देखने की है कि अच्छे परिणाम से भाव बढ़ाने की है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अच्छे परिणाम से भाव बढ़ाने की विचार चल रहा है। हाँ, धर्म करूंगा तो अच्छा होगा, धर्म करूंगा तो अच्छा होगा, निश्चित ही कथन ऐसा ही होगा, धर्म अच्छा है, धर्म करना अच्छा कार्य है, धर्मी जीव के परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन भाव परावर्तन रूप वो स्थिति अनुभाग का चक्र नहीं रुक रहा। सबसे खतरनाक जिसलिए, इसलिए तो सबसे बड़े में इसको रखा है, भाव परावर्तन किसमें रखा है, सबसे बड़े में, क्योंकि प्रति समय जीव जो परिणाम कर रहा है उसमें देखना द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, भाव ये चार जो है ना वो भाव में समाने वाले हैं, पूरे जितने अभी हम पढ़ के आए हैं ना परावर्तन, वह सब इसमें समा जाएंगे तो भी अनंत विभाग में पड़ा है। एक एक समय का परिणाम, प्रति समय सात कर्मों का बंध, क्या कह रहा है, प्रति समय सात कर्मों का बंध और कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध एक एक समय में जीव कर ले, यानी सबको उतना बंध है ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन बंध सकता है, बंधता है, क्या कह रहे हैं, परिणाम अनुसार का बात है। देखिए इसलिए यहां कर्णानियों की भाषा में उसको प्रयोग किया जा रहा है, उसमें एक स्थिति बंध स्थान में अनुभाग बंध को कारण, कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, स्थिति बंधी और उसके फलदान का जो बंद होने वाला था कि कैसा फल आने वाला है, उस फल के साथ साथ परिणाम यानी कषायों की तारतम्यता भी जुड़ी चल रही है, और वो भी कैसी, असंख्यात लोक प्रमाण। आपको पता है कषाय का रूपक कैसा होता है? जानते होंगे आप कषाय कैसी होती है, पता आपको? कषाय हमारी कभी भी जब किसी व्यक्ति विशेष से होती है, वस्तु से होती है, तो वो वस्तु से होती कि विश्वव्यापी होती है? समझ के थोड़ा सावधानी से उत्तर देना, जल्दी नहीं है, विचार करने का ही मार्ग है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन। कषाय कभी एक से होती है कि विश्वव्यापी होती कषाय? अभी ये जो जिंदेशना वाला शिविर चल रहा था ना युवाओं का, उसमें एक दिन एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, हम कौन सी कहानी पढ़ें, क्रोध कषाय को जीतने के लिए हम किसकी कहानी बताएं, मान के लिए किसकी कहानी बताएं। मैंने कहा मेरे पास नाम नहीं, एक दो नाम ध्यान में आए थे पर मैंने नहीं बोला। हमारा टारगेट क्या बन जाता है, रावण की कहानी बताओ तो आदमी मान कषाय को छोड़ देगा। क्या कह रहे हैं, वहां मान कषाय अकेली थी कि वहां पर क्रोध मान माया लोभ ये सब गर्वित थे, और अकेले कोई सीता के प्रति राग का जो परिणाम था वह परिणाम कितना विश्वव्यापी था कि यदि सीता मेरी मेरे को स्वीकार कर ले
और फिर उसके लिए मुझे विश्व से लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ने को तैयार हूं, पूरे विश्व को नष्ट करना पड़े तो करने को तैयार हूं। रामचंद्र जी की तो क्या बात है, क्या कह रहे हैं, हमारा किसी से द्वेष हो जाए, कषाय हो जाए, लड़ाई हो जाए, उससे तो बात नहीं करेंगे, उसके परिवार की उपेक्षा करेंगे, उसके दोस्तों की उपेक्षा करेंगे, कोई अपनी बात सुन करके उसका पक्ष ले ले तो वो भी हमारा शत्रु। हाँ, अभी मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान भारत के प्रति अच्छा मनसा नहीं रखता, ठीक है, तो हमारा शत्रु देश है कि नहीं पाकिस्तान? हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, भारत मेरी मातृभूमि है, तो वो पूरा देश कैसा हो गया? विपक्षी। अच्छा, अकेला वो देश विपक्षी हुआ कि अगर उसका समर्थन किसी देश ने कर दिया, आप समझ सकते हो इशारे में उसका समर्थक देश कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन हो गया? शत्रु। अच्छा, किसी ने उसकी आर्थिक स्थिति की तंगी को देखकर कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान कर दिया किसी बड़े देश ने, तो हम क्या कहेंगे? देखो, सम्मेलनों में इसमें तो कहते हैं आतंकवाद गलत है, गलत होना चाहिए, और खुद ही फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब धूर्त लोग हैं, पूरा विश्व धूर्त है जो धूर्त का सहयोग करता है। अब आप समझना, मेरे बस का कुछ नहीं था, ना मुझे कुछ करना था, ना मैं उस देश की सोच को बदल सकता हूँ, ना वहां के नेतृत्व को परिवर्तित कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां बैठे बैठे विश्वव्यापी कषाय बांधता। कैसी मेरा बस चले? एक बार एक व्यक्ति ने बताया मुझे कि प्रधानमंत्री के साथ में कुछ सुरक्षा गार्ड जो चलते हैं ना, उनके हाथ में आपने देखा होगा एक सूटकेस होता है, देखा आपने, जो सुरक्षा गार्ड टीम चलती है ना, उसमें कोई एक के हाथ में एक पतला सा सूटकेस रहता है, अब ना जाने उसमें क्या है। अब बड़े खोजक लोग रहते हैं, हो सकता है मोदी जी को भी नहीं मालूम उसमें क्या हो, लेकिन इनको मालूम रहता है दूर से, हाँ, इनका सैटेलाइट बड़ा गजब का है, पता नहीं कहाँ से पता लगाते हैं क्या है। बोले वो उसके अंदर ऐसी वो रहता है, कहते हैं सैटेलाइट का कनेक्शन या बटन रहती है कि चाहे तो यहां से वो परमिशन दें तो वहां से परमाणु बम छोड़ दिया जाए। अब सुनना, मुझे तो सिर्फ मैंने सुना उनके मुख से। अच्छा, तो बोले पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इतना सहते क्यों है, हाथ में बटन है, दबा क्यों नहीं देते? सुनना भैया, अब मैं आपसे कहता हूं, वो बटन दबेगी कि नहीं दबेगी, उसमें वो है कि नहीं है, वहां वो घटना घटने वाली है कि नहीं है, इस जीव ने ऐसा परिणाम करके कितने जीवों की हिंसा संबंधी स्थिति और अनुभाग बंद कर लिया, कल्पना कर सकते हो? तो वो ये नहीं कह रहे कि वहां की 500 करोड़ की आबादी के नष्ट है, अरे जीव राशि कितनी, अनंत के घात का पाप बंद किया, एक समय का परिणाम, उसका फल कितने काल आ सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपनी बात चल रही है, उदाहरण और कहानियां नहीं चल रही है, क्या कह रहे हैं, अपनी बात। निज परिणामन की समाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी, जिस कार्य से परिणाम बिगड़े वहां से दूरी बना लेना श्रेयस्कर है, क्योंकि हमारी स्थिति कमजोर है। क्या कह रहे हैं, आज हम विषय कषाय के पदार्थों में जाते हैं तो आकर्षण हुए बिना नहीं था राग में फंस जाते हैं। हाँ, व्रती त्यागी हो, ब्रह्मचर्य की आराधक व्यक्ति हो, एंड्रॉइड फोन दे दो उसके हाथ में, लिया तो था कि कुछ जिनवाणी को पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल करते में कोई दूसरा विषय आ जाए और उधर रुचि लग जाए, परिणाम कहाँ भाग जाए पता नहीं लगने वाला। एक समय परिणाम तो पता नहीं लगेगा, पर उसका जो स्थिति और अनुभाग बंद होगा भाव अनुसार, उसको तो हम कह ही नहीं सकते, क्या कह रहे हैं, उसकी तो व्याख्या संभव नहीं। देखिए क्या कहते हैं, जो योग्य स्थान है वह जगत श्रेणी की असंख्यत्व भाग है, ये सब कर्णानियोग की भाषा है। यद्यपि मैं तो इस विषय में आपसे कहूंगा, मेरा स्वयं कर्णानियोग का विषय बहुत अल्प ज्ञान के रूप में है, मैं तो इसे भाव पक्ष की तरफ से अभी अभ्यास क्रम में कर रहा हूं। आप इस विषय में जो अपने संजीव गोधा जी हैं या इस विषय के विशेषज्ञ में अपने बहने हैं, अपने क्या नाम है, बंबई वाले हैं ना, हाँ, उज्ज्वला बहन, दिनेश भाई, इनका बहुत अच्छा गहन अध्येता है। अपने को निश्चित ही कर्णानियोग के शिविरों को अध्ययन के लिए अपने को उपयोग लगाना चाहिए, इससे बुद्धि बड़ी सूक्ष्म और पैनी होती है। तो
जो योग्य स्थान है वह जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग है, यह जीव उसका परिवर्तन करता है। मतलब वह परिणामों से होने वाला जो असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति अनुभाग बंद है उसको एक एक बार यह जीव स्पर्श करेगा, इतना ही नहीं कह रहे हैं, उसको अनंत बार वह उस परावर्तन को करता चलता है। सो किस तरह है? अब एक उदाहरण के द्वारा कहते हैं, कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जीव स्वयोग्य सर्व जगन्य ज्ञानावरणादि प्रकृति की स्थिति अंतः कूड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। कौन? सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जीव। अब ये कौन होंगे सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक? हम सब कौन हैं? हाँ, तीन नाम दिए हैं, सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक और एक है जीव। तो हम सब कौन है? सैनी है ना, संगी, और मिथ्या दृष्टि तो इस अपेक्षा से कहा जाएगा कि जब तक सम्यक्त नहीं हुआ, दृष्टि अभी स्वसन्मुख नहीं हुई है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं हुई, तो मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जिसकी इंद्रिय आदि और मन की पूर्णता हो चुकी है, ऐसे पर्याप्तक अवस्था वाले जीव स्वयोग्य सर्व जगन्य ज्ञानावरण प्रकृति की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। यानी जगन्य ज्ञानावरण कर्म की स्थिति भी कितनी अंत कोड़ा कोड़ी सागर की बांधता है अपने परिणामों के अनुसार। उसके कषायों के स्थान असंख्यात लोक मात्र है, यद्यपि बांधा तो है अंत कोड़ा कोड़ी सागर, पर उस अंत कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक एक समय है उस समय में भी जो बंद हुआ वह कैसा हुआ? असंख्यात लोक मात्र। जैसे अभी उदाहरण दिया था ना कि एक समय में परिणाम किया है हिंसा का, और वह परिणाम कहने को तो हमने कहा किसी व्यक्ति विशेष देश विशेष, पर कल्पना की हमने कि कितना हुआ वो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चे दिवाली में फटाके फोड़ते हैं है ना, अपने जैनियों के नहीं, जो जैन धर्म नहीं जानते हैं वो उनकी बात करते हैं। अभी तो पाठशालाओं में बच्चे संस्कारित होने लगे हैं तो वो चीज सुधरती है। फटाका फोड़ा, जहां फटाका या बम फूटा है वहां पर चीटी मरी कि नहीं मरी? बोले हो सकता ना भी मरी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने जीवों का घात हुआ? एक आपने बचपन में कभी देखा था चिटपिटी आती थी, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, एक लाल स्ट्रिप आती थी उसमें छोटे छोटे से वो बारूद के कण होते थे, उसको ऐसा कोई पत्थर से मारते थे तो वो फूटता था, फिर वो बंदूक से चट 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 आवाज करती थी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपसे जानना चाहूंगा कि वो एक छोटी चिटपिटी भी जब फूटती होगी तो कितनी जीव राशि का घात होता होगा? असंख्यात, क्या कह रहे हैं, असंख्यात जीव राशि का घात। हिंसा छोटी है कि बड़ी है? वह परिणाम जो उसको कर रहा है, उसके करने में आनंद मान रहा है, उसकी अनुमोदना कर रहा है, उसको बंद कितना? अब भले अज्ञानता का सही, बाल्यकाल का सही, लेकिन बंद कितना? एक सामान्य सी बात कहूं मैं, बच्चे को ज्ञान नहीं हो और अग्नि में हाथ डाल ले तो जलेगा कि नहीं जलेगा? दर्द उतना ही होगा कि नहीं होगा जितना अभी हम अभिव्यक्त करके बता सकते हैं कि बहुत तकलीफ है? बच्चा अभिव्यक्त नहीं कर रहा, बोल नहीं पाता, पर उसको दर्द की वेदना है कि नहीं है? कितनी है? पूरी की पूरी है। हाँ, ऐसे ही जो परिणाम हुआ है उस परिणाम का बंद स्थिति अनुभाग कितना? कि अनंत जीवों का घात हुआ, असंख्यात जीवों का घात हुआ, परिणाम विकार रूप हुए, ना केवल बाह्य जीवों का घात हुआ, इतना नहीं, क्योंकि ये भाव परावर्तन की चर्चा चल रही है, मैंने अपने अनंत गुण स्वरूपी आत्मा का भी घात किया। मिथ्या दृष्टि प्रति समय अपनी आत्मा की हत्या करता है। क्या कह रहे हैं? आत्म हत्यारा है मिथ्या दृष्टि। दूसरे को क्या मारेगा, दूसरे का क्या बुरा करेगा, उसका तो आयु कर्म दूसरे का उसके अधीन है। ये सिर्फ भाव कर करके भाव परावर्तन रूप अनंत संसार को बढ़ाता है। किसकी बात चल रही भैया? ये बात को बहुत सावधानी से समझना, अपनी बात चल रही है, अपनी ही भूल की बात चल रही है, और अपनी भूल सुधारने के लिए बात चल रही है। देखिए, कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जीव
सो किस तरह कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त तक जीव स्वयोग्य, स्वयोग्य मतलब उसकी जो भूमिका है, उसका जो ज्ञान है, उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होने से उसके जो परिणाम है, इसमें अंतर रहेगा। जीव, सभी जीव परिणामी है, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण जीव का परिणाम, जैसे मैं एक इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाइड करने के लिए आपको एक बात कहूं, कोई जीव सातवें नरक गया, कोई तीसरे नरक गया, कोई पहले नरक गया। मनुष्य पर्याय का होने पर भी जा सकता है अलग अलग नरकों में, क्या कारण है तो मनुष्य ही, फिर वो सातवें नरक का बंद कैसे हो, पहले का कैसे हो, तीसरे का कैसे। या महामत्स्य का उदाहरण ले लें अपन, स्वयंभू रमण समुद्र का, हाँ, कि वो महामत्स्य तो जाए मर के, जो कि हिंसा जिसके होती दिखती है, पर वो जाए प्रथम, और जो तंदुल मत्स्य है वो कहां चला जाए, सातवें नरक, जो कि महामत्स्य के कान का मैल खाता है, गंदगी खाता है, जीवों को नहीं मार रहा, कम से कम दृष्टिगोचर जीवों की तो हत्या नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बाद भी जा कहां रहा है, सातवें नरक। क्या कारण है? कारण आप समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं बड़े आसानी से, क्या कारण होगा? पूरा खेल भावों का है, काय का है, वो मन ही मन क्या सोचता रहता है बैठ करके, धिक्कार है इसके जैसा मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। क्या होता है, वो महामत से मुंह खोलता है ना जमाई लेने के लिए, वो मुंह खोले तो इतना बड़ा, वो तो योजनों का है, तो खोले भी तो ऐसा कि पूरा आधा समुद्र तो अंदर चला जाए उसके, हमारा हिंद महासागर कहना चाहिए, वो नहीं, वो तो शंभू रमण समुद्र भी बहुत लंबा, तो वो जाए, अब वो खोले तो अंदर चले जाए, लारे अनंत करोड़ों जीव अंदर चले जाए उसके मुंह के, और मुंह बंद भी कर ले और फिर मुंह खोले, वो जीव बाहर निकल जाए पूरे। अब जे देख रहा है बैठ करके दूरदर्शन, कौन, महामत्स्य देख रहा है, क्या सोचता है, इसके जैसा दुर्भाग्यशाली जीव नहीं है, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। अब बोलो, एक की भी हिंसा नहीं की और परिणाम ऐसा कर लिया कि सातवें नरक में चला, बात ख्याल में आती है? इससे ये समझना, भाव परावर्तन को अनंत क्यों कहा, उसमें द्रव्य क्षेत्र भाव भाव इन सबको समाहित क्यों कर लिया, क्योंकि पूरा खेल जो है वो भावों का है, परिणामों का ही चक्र है पूरा, और यह चक्र कितना दीर्घकालीन है कि अनंत काल बीत गए जब तक जीव को सम्यक्त नहीं हुआ, परिणाम अनुसार कर्म बंध प्रक्रिया अनंत रूप होती रहती है। देखिए, उसके कषायों के स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं, किसके, जो स्वयोग्य परिणाम जीव के है ना, सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जीव के, उसकी उस भूमिका अनुसार होने वाले परिणाम से भी जो ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण प्रकृति की स्थिति, क्योंकि ज्ञान का काम चल रहा है परिणामन जो भी है भाव, तो उसकी स्थिति कितनी है, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। कोड़ा कोड़ी शब्द आ जाए तो समझ लेना वो करोड़ इंटू करोड़ वाली बात हो गई, और सागर की तो स्थिति अपन जानते हैं कितना दीर्घकालीन। उसके कषायों के स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं, उसमें सब जगन्य स्थान एक रूप परिणमते हैं, उसमें उस एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण स्थान ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण है। देखिए, मैं वैसे इस चैप्टर के लिए मैंने विचार किया है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे करणानियोग के विशेषज्ञ हैं, तो मैंने उनसे कहा है हो सकता है रविवार के दिन इस विषय को वो करणानियोग की शैली में स्पष्ट करेंगे। देखिए, जिसकी विषय विशेषज्ञता होती है, अपने को एक भय बहुत होता है, किस बात का, कि आगम के कथन के विपरीत नहीं जाए, बात कहीं जिनवाणी के विपरीत व्याख्यान नहीं होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य नहीं हो तो हम उसे भावपूर्वक अंगीकार कर लें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या? कोई यही कहेगा, अरे इनको तो ये पता ही नहीं था, पर कम से कम गलत तो नहीं पता था, गलत मान्यता तो नहीं थी, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात कहलाती, और हम उस बात को विषय विशेषज्ञ से ही जानने की कोशिश करें, है ना। तो इसकी जो व्याख्या है, वास्तव में ये मेरी जब उनसे चर्चा हुई तो बोले कि वास्तव में हम उसको एक क्लास में बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमको पहले उस परिणाम तक पहुंचने के लिए कर्म प्रकृतियां, बंध प्रकृतियां, ये सब समझाना पड़ेगी, और मोस्टली क्या होता है,
कर्णानियों का विषय थोड़ा सूक्ष्म और दीर्घकालीन होता है, और जिसको पैसेंस नहीं हो वो मैदान छोड़ के भाग जाते क्या कह रहे हैं, धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता। अरे जिस ज्ञान में लोकालोक झलकने की सामर्थ्य है, जिस ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म की बात नहीं, जिस ज्ञान का परिणाम ऐसा है कि एक समय का परिणाम अनंत बंद करा दे, ऐसे ही उस ज्ञान का एक समय का पुरुषार्थ ऐसा है कि अनंत सुख भी दिला सकता है। ऐसी सामर्थ्य है इस द्रव्य के अंदर, यानी मेरी बात चलती है। देखिए अभी तो मैं ऐसे सामान्य कथन पढ़ के जो इसका भाव पक्ष है वो आपको बता रहा हूं। उसमें सब जगन्य स्थान एक रूप परिणमते हैं, उसमें उस एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण स्थान ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बंध स्थान अलग और अनुभाग स्थान बंध अलग, और वह भी संख्या में कैसे है, असंख्यात लोक प्रमाण। स्थिति बंधे वो तो अलग, और स्थिति की पावर बंधे वो अलग। क्या कह रहे हैं, कोई कर्म 1000 वर्ष के लिए बंधा है या 1 वर्ष के लिए बंधा है, यह तो बात अलग है परिणाम से, लेकिन उस 1 वर्ष में भी कितना पावर दे करके आएगा ये कह नहीं सकते। जैसे करंट समझ लो आप, एक तो करंट होता है 5 वोल्ट का 10 वोल्ट का, ठीक है, वो धीरे धीरे लगता रहे और लंबे टाइम लगता रहे तो भी मरण ना हो, और एक ऐसा होता है जिसको छू भी ना पाए और देह छूट जाए, हो सकता है ऐसा? आपने देखा होगा जो मेन लाइन के पावर जाते हैं ना बिजलियों के, हैं? वो उसके निकट भी आदमी पहुंचे, मतलब उसको स्पर्श भी ना करे, तो उसका इतना रिएक्टिव, मतलब उसकी रेंज ऐसी गजब की रहती है कि उसके निकट भी पहुंचे और प्राणांत हो सकता है। ऐसे स्थिति बंध की बात अलग है और अनुभाग बंध की बात अलग है। किसने एक समय के परिणाम में कितनी स्थिति बांधी ये नहीं कह रहे हैं, पर वह भाव कैसे थे, उस भाव अनुसार एक एक समय की बंधी हुई स्थिति जो असंख्यात हो सकती है, उस असंख्यात स्थिति का पावर और असंख्यात गुना हो सकता है। क्या कह रहे हैं, और असंख्यात गुना, जो हम जिसकी व्याख्या क्या करें, क्या उदाहरण दें, ये बातें अपने कहना चाहिए पार है दिमाग के। बस ऐसा समझ लो, अगर सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे भरोसा है, संसार में अब दुख प्रतीत होता है, तो ये भावना होनी चाहिए कि अब यह संसार परावर्तन चक्र आगे ना बढ़े, और ना बढ़े ये कहने से तो रुकने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, संसार का कोई भी जीव दुखी नहीं होना चाहता, नहीं चाहता है कि पाप का उदय मेरे ऊपर आए, दुख के प्रसंग मेरे ऊपर बने, लेकिन ऐसा कह देने मात्र से क्या हम उससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते। जब तक सम्यक दर्शन होकर के स्वा का सिद्धान सम्यक ना हो और मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं ये हटे नहीं, तब तक ये जीव कभी इस संसार से हट सकता नहीं, बच सकता। कर सकते हैं कि नहीं सम्यक दर्शन, हो सकता है कि नहीं, पहली बात कर सकते हैं नहीं वाली बात, हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये स्वीकार, हो सकता है कि नहीं। क्यों हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको कहा गया है वो आत्मश्रद्धान, और मैं कौन हूं, आत्मा, और आत्मश्रद्धान करना है तो वह आत्मश्रद्धान श्रद्धा नाम का गुण भी आत्मा का, और वह स्वीकृति करे कि मैं ही आत्मा, अयम आत्मा, तो यह कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं, बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं, बाह्य संयोग बाधक नहीं, कर्म का उदय बाधक नहीं, क्योंकि मुझे मेरा परिचय मेरा श्रद्धान करना है। मेरे घर में सारे व्यंजन रखे हुए हैं, सारी सामग्री रखी है, मुझे बनाने की विधि भी आती है, और मैं प्रमादी भी नहीं हूं, तो बोलो मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं कि नहीं, अतुल भाई मिटा सकते हैं कि नहीं? अरे प्रमादी हो तो बात है, अगर पुरुषार्थी हो ये स्वीकार तो करे कि हाँ मैं आत्मश्रद्धानी हूं, मैं आत्मश्रद्धान करने की सामर्थ्य वाला हूं। बात तो कहना चाहिए एक पक्ष, भाव पक्ष देखें तो बड़ा सरल है देखा तो कुछ भी नहीं है। अब कोई कहे पंडित जी हमको तो कर्णानियों थोड़ा कठिन लगता है इसलिए हम उसमें उपयोग नहीं लगा पाते। देखो भैया, किसी भी अनियोग का एकमात्र अभिप्राय है वितरागता और स्वरूप की प्राप्ति हो जाए।
और कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। आपको जिस विधि से अय कथमपि मृत्वा जैसे बने तैसे, पर ए जीव को एक बार आत्मश्रद्धान हो जाए। संसार दुखों की चर्चा दुखी करने के लिए नहीं है, दुख से हटा करके सच्चे सुख की झलक दिखाने के लिए। क्या कह, घबड़ाना नहीं। ये सब चर्चाएं अभी आप सुनोगे कि अरे अभी आप ही जितना कह रहे उतने ही में तो टेंशन होता है, आधी अधूरी समझ में आती तो तकलीफ है, और डीप वाले को बुला के ले आओगे तो हमारी तो मुसीबत बढ़ जाने वाली है। कि मुसीबत बढ़ेगी नहीं, कहीं कोई कमी रह जाएगी रास्ते में तो रास्ता कंफर्म हो जाएगा। ऐसा होता ना, कभी जा रहे हो, किसी से पूछा भैया बंबई जाने का रास्ता कौन सा है, भैया देखो मैं इस जगह का बहुत पक्का निवासी तो नहीं हूं, अभी अभी आया हूं, शायद ये वाला है, लगभग ये है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी यही कह रहा हूं शायद ये वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने किसी को इधर से जाते हुए देखा था, वो कह रहे थे हम बंबई जा रहे हैं, तो मैंने ऐसा कह दिया। तो आप कहोगे चलो अब कोई नहीं है तो ठीक है, अब यहीं चलें, लौटने से अच्छा है। लेकिन कोई उसी नगर का निवासी मिल जाए, गांव का वासी मिल जाए, और वो कहे कि भैया तुम चिंता नहीं करो, रास्ता तो यही है और मुझे भी बंबई जाना है, आप कहो तो मैं साथ में चलूं, तो बोलो अच्छा है कि नहीं। मैं घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की भर जरूरत है। समझने की योग्यता और रुचि होगी तो बात समझ में आएगी। देखिए पढ़ते हैं आगे का। उसमें एक एक स्थान में अनुभाग बंद के कारण स्थान ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें से एक सर्व जगन्य रूप परिणमता है। वहां उस योग्य सर्व जगन्य ही योग्य स्थान रूप परिणमते हैं, तब जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करता है। मतलब जो कर्म बांधता है उस कर्म से जो असंख्यात तरह से लोक प्रमाण बंद होता है उस चक्र को पूरा करता है, पूरा करते करते उसके परिणामों में वह तारतम्यता चलती रहती है। क्योंकि कर्म किया, उदय में आया, भोगते काल में हो सकता और ज्यादा पावरफुल कर्म को बांध लिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही ना। मिथ्या दृष्टि की गड़बड़ी क्या होती है, मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान कुत्ते की जैसा होता है। क्या कह रहे हैं, बुरा मत मानना, मिथ्या दृष्टि को कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे, टोडरमल जी ने भी प्रयोग किया है। जैसे मैं कुत्ता जो होता है ना, लकड़ी मारने वाले व्यक्ति को तो लकड़ी पे भौंकता है। किस पे भौंकता है कुत्ता, हाँ लकड़ी पे भौंकता है, आदमी पे नहीं झपटता। और सिंह होगा तो किस पे झपटता है, लकड़ी पे नहीं झपटता, आदमी पे झपटता है। उसको लगता लकड़ी ने मारा, अरे लकड़ी ने नहीं मारा, मारा तो आदमी ने है, पर उसको लगता मिथ्या दृष्टि ना। उसके लिए उसके दो तीन दृष्टांत आए मोक्षमार्ग प्रकाशक में, दो दृष्टांत तो एक बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता भी बताया, और एक दूसरा कुत्ता कौन सा, जो हड्डी सूखी हड्डी चबाता है और फिर रक्त तो खुद का, और मानता क्या है, किसका किसका मानता है, स्वाद किसका आ रहा है, हाँ? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सोच कुत्ते की बस ऐसी है क्या, वो भी तो सहनी पंचेंद्री है, पर्याप्त तक है, और मिथ्या दृष्टि है। अभी यही सिमिलरिटी अगर मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक अवस्था के मनुष्य की देखी जाए, अंतर क्या है, क्यों साहब? मैंने इसलिए पहले दृष्टांत कह दिया और टोडरमल जी के शब्दों से कह दिया, अब हमको मिलान करना है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। बैलगाड़ी को कौन चलाता, बैलगाड़ी को कौन चलाता है सतीश जी, वो बैलगाड़ी चलाने वाला चलाता है कि कुत्ता चलाता है? अभी तो बहुत स्थूल कथन चल रहा है, अभी तो हमारे पास बड़े लॉजिक तर्क हैं, बहुत अच्छे तर्क देते हैं, वो सब स्वयोग्यता से चलती है, उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल था इसलिए चलती। उपदेश तो बहुत अच्छा दे देता है, ज्ञान में भी है, श्रद्धा में नहीं आती बात, अटकती कहाँ है गाड़ी जाके, बैलगाड़ी खड़ी कहाँ हो जाती है, जब अपने ऊपर आती है तो बैलगाड़ी खड़ी हो जाती, कैसे खड़ी हो गई, हाँ मैं करता हूं, मैं देखता हूं। बोलो साहब, परिवार का संचालन कर रहे हो कि नहीं, सतीश जी आप कमाओगे नहीं तो घर कैसे चलने वाला, ये बोलो आप। पंडित जी ऐसे ही धर्म में लगे रह जाएं,
24 घंटे बस 3 टाइम ये क्लास, फिर दोपहर का वो सत्र, रात का ये सत्र, दुकान कब कराएंगे हम? घर वाले खाएंगे क्या? परिवार वालों की जिंदगी कैसे चलेगी? क्या कह रहा है? इसका मतलब है ये मैं मान के बैठा हूं, मान्यता ऐसी चल रही है, मैं चला रहा हूं, मैं कमा रहा हूं इसलिए घर चल रहा है। ये परिणाम कैसे चल रहे हैं मालूम है? सोते के काल में भी कर्म बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि श्रद्धा अभी भी मिथ्या रूप परिणमित हो रही है। अभी हमको लगता सोते समय में हमने क्या बुरा सोचा, किसके बारे में क्या किया, कौन सा महल बना लिया, कौन सा धन कमा लिया। अरे श्रद्धा तो अभी यही मान के बैठी है ना कि ये मैं हूं। नींद में भी, भीड़ में भी जब आपका नाम पुकारा जाएगा तो मुड़ के कौन देखता है, बोलो आप। अभी इतने सारे लोग हैं, मान लो किसी को नींद का झोंका आए और मेरे को दिख जाए, एक नहीं 10 लोगों को, और मैंने किसी का नाम लिया तो बाकी की नींद हटेगी कि सिपुनी की हटने वाली है तुरंत? तो अरे पहले, सबसे पहले किसकी हटेगी? पहले तो उनकी हटे। क्यों? अरे मेरा नाम पुकारा। अच्छा, हे शुद्धात्मा, अब ये बात कही, बोलो किसकी नींद हटी? हाँ, मानो किसी और की ही बात कर रहा, बात ख्याल में आती? मानो किसी और की बात चल रही है, उसे लगता ही नहीं है ये शुद्धात्मा मतलब मेरे को संबोधन हो रहा, मैं, मेरी चर्चा चल रही। सम्यक जब तक नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि के अनंत परावर्तन चलता है। देखिए इस तरह से उसमें एक सर्व जगन्य रूप परिणमता है, वहां उस योग सर्व जगन्य ही योग स्थान रूप परिणमते हैं, तब जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग योग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करता है। बीच में अन्य योग स्थान भी परिणमता है, मतलब ये परिणामों की तारतम्यता, उससे होने वाला स्थिति बंद, उसका अनुभाग बंद, वह तो उदय में आएगा ही आएगा, पर उसके बीच काल में भी इसके जो परिणामों की तारता है उससे अनुभाग शक्ति बढ़ती चली जाती है, स्थिति बढ़ जाती है तत्काल के परिणाम से। ये बात आप भी समझते होंगे, जानते होंगे, किसी जीव ने कर्म तो बांधा था, उस समय की स्थिति तय थी, लेकिन वर्तमान परिणामों का निमित्त पाकर वह स्थिति दीर्घ हो जाए। लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि पाप का उदय आया है, लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। हाँ, बोले साहब क्या करें, अभी तो आजीविका ढंग की नहीं चल रही, धर्म कहां से करेंगे? कहना नहीं चाहिए पर बता रहा हूं, एक दृष्टांत के तौर पे एक बात कहता हूं। एक शास्त्री विद्वान तकलीफ में था, शास्त्री किया हुआ तकलीफ में था, निश्चित तकलीफ में था। हमने कोशिश भी की कि यथासंभव सहयोग बने। उससे मैंने कहा, देखो भाई ये तो सब उदय की व्यवस्था है, सब विकल्प अपन करेंगे, व्यवस्था जमाने की कोशिश करेंगे कि बन जाए, जो भी परेशानी है उसका कोई समाधान बन जाए, लेकिन तुम धर्म से दूर नहीं हुआ करो। मंदिर आने की कोशिश करो, प्रवचन में बैठो, कक्षाएं ले सकते हो तो वो लो, स्वाध्याय चिंतन में जो बन सके वो करो। उसने क्या उत्तर दिया मुझे, आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन मैं आपसे सच बात कहूं, बोले धर्म तो अंदर है, धर्म तो मैं पहले बाद में कर लूंगा, पहले पैसे तो कमा लूं। क्या कह रहे हैं? धर्म तो अंदर है, मैं तो कर लूंगा धर्म, धर्म तो ये बाहर थोड़ी ना, धर्म तो अंदर है, पहले मैं पैसे तो कमा लूं। मैं तो निरुत्तर ही था क्योंकि मेरे पास शास्त्री की डिग्री नहीं है ना, अब मैं शास्त्री को कैसे समझा सकता। क्या कह रहे हैं? उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है, जो स्थिति बंधी है उसका स्थिति अनुभाग तो पहले बंधा ही था, पर तेरा वर्तमान परिणाम इसको और बढ़ा रहा है। हम पाठशाला में बच्चों को एक दृष्टांत देते थे, बेटा रोज मंदिर जाया करो, तो बोले हम बहुत मम्मी के कहने पे, एक दिन पाठशाला में बच्चे ने कहा, हम मम्मी के कहने पे एक दिन गए, खूब मम्मी ने डांटी तो चले गए, और गए तो रस्ते में टकराए और पैर का घुटना छिल गया, और जब तक नहीं जा रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसा बोला पाठशाला में। मैंने कहा, मैंने पता है बेटा तुम्हारा होने क्या वाला था, तुम्हारा घुटना टूटने वाला था, वो तो तुम मंदिर जा रहे थे तो छिला ही बस था, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और टूट जाता तो महीनों से पड़े रहते, मंदिर जाना बंद मत करो।
परिणामों की संभाल में प्रमादी मत हो, क्योंकि भाव परावर्तन अनंत है और एक एक समय का परिणाम जो है, जो बांधा है पूर्व का वो तो अलग ही है, पर इस समय जो उदय काल में जीव परिणाम कर रहा है और तन्मय हो रहा है, वो अपने पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अनुभाग को भी जो जगन्य बांधा था उसको दीर्घ कर सकता है। कौन करने वाला है? सिर्फ अपना ही परिणाम है। वो बहुत आयत असाता के उदय में घबरा जाता है, परिणाम बिगाड़ता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, साता के उदय में परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? अतुल भाई, साता के उदय में परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं? मीता बहन, अपने इच्छा अनुसार सब व्यवस्थाएं बन जाए घर परिवार की, सब अच्छा अच्छा हो जाए, जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाए, तब तो आपके परिणाम मोक्ष स्वरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हैं? हम किस कल्पना में अपना जीवन लगाते हैं, मेरी इच्छा अनुसार परिणमन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। टोडरमल जी कहते हैं इच्छा ही वृथा है, क्योंकि यह जो इच्छा है कि मेरे अनुसार कार्य हो जाए, इससे सिर्फ अनंत संसार बढ़ रहा है, संसार की अनुकूलता नहीं बन रही, संसार घट नहीं रहा, वृद्धि को प्राप्त हो रहा। देखिए, मैं आपको इसका भाव पक्ष ही बताने का सामर्थ्य वाला हूं, करणानीय विशेषज्ञ आपको उसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, उसकी तो गिनती नहीं है, जो बीच के अन्य योग स्थान परिणाम होते हैं उसकी गिनती नहीं। इस तरह योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभाग का स्थान दूसरा रूप परिणमता है, वहां भी वैसे ही योग स्थान सब पूर्ण करता है। जो स्थिति बांधी उसका स्थिति तो बांधी थी, उसकी दीर्घता हो गई, अनुभाग की वृद्धि हो गई, और अनुभाग की वृद्धि में प्रति समय जो परिणाम चला उसमें अनंत अनंत का बंध और करता चला गया। बांधा होगा जगन्य, लेकिन वो हो जाएगी उत्कृष्ट। क्या कह रहे हैं? बांधेगा जगन्य और हो जाएगी उत्कृष्ट, और जो उत्कृष्ट बांधेगा उसकी तो क्या होगी वो अपन कह ही नहीं सकते। देखिए, तीसरा अनुभाग स्थान होता है, वहां उतने ही योग स्थान भोगे। इस तरह असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करे, मतलब जो बांधा था उदय में आया, उसका फल आया, और उस फल में क्रम क्रम से एक एक उदय को पूर्ण किया, पर उदय पूर्ण किया कि उदय को भोगते में अनंत का बंध फिर कर लिया, क्योंकि खेल परिणामों का है ना। जिस समय कर्म उदय आया, उदय की तन्मयता की, तो उस उदय की तन्मयता में गड़बड़ी क्या हुई? क्या गड़बड़ी हुई बता सकते आप? हमारे पाप का उदय आया, हमारा किसी ने अपयश कर दिया, हमारा कोई धनहरण करके ले गया, हमारे को किसी ने कष्ट दे दिया या रोग आ गया, उस काल की तन्मयता, वह रोग तो आया था पूर्वबंध की स्थिति अनुसार और निश्चित स्थिति लेके आया था, इतने काल रहेगा, तुम कोई उपाय कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं रोगी हूं, मैं कष्ट में हूं, मेरे को तकलीफ है, इनने मेरा नुकसान कर दिए, मैं इनसे बदला लूंगा, इनका बुरा करूंगा, यह परिणाम की जो धारा है वो उस पूर्वबद्ध कर्म को तो बढ़ाएगी, संसार तो चल ही रहा है, और यह परिणाम अनंत संसार को उसमें और प्लस करता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं प्रमोद जी, बात ख्याल पड़ती है? हाँ, इसलिए जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंद त्यों ही मोक्ष को। 320वीं गाथा है ना समयसार की, ज्ञानी कर्म बंध के उदय को और मोक्ष को एक जैसा देखते जानते हैं। क्या कह रहे हैं? चाहे वह उदय हो चाहे वह बंध रहित अवस्था हो, उसको सिर्फ जानते हैं, उसमें ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, पर अपनी कमजोरी की भूमिका में कैसी भूल चलती है इसकी चर्चा यहाँ करते हुए इसको करणानुयोग पद्धति से समझाने का प्रयास किया गया। वहां भी वैसे ही क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान तथा जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग योग स्थान पूर्वोक्त क्रम से भोगे। जो बांधे हैं वह असंख्यात हैं, उनको भोगे, क्रम से भी भोगे, और जो बीच का क्रम अक्रम है उसकी तो बात नहीं की गई, ये लाइन हर जगह आई है, जो बीच का है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। क्रम पूर्वक बांधा, असंख्यात प्रकार का परिणाम और असंख्यात प्रकार का भोगा, तब तीसरा कसा स्थान लेना चाहिए। इस तरह से ही चतुर्थ आदि असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थान पूर्वोक्त क्रम से पूर्ण करे। प्रति समय बांधा गया परिणाम, उसका उदय,
उस उदय को पूरा करे, फिर दूसरे समय के परिणाम का उदय फिर पूरा करे, और पूरा करते करते फिर अनंत का बंद कर ले, असंख्यात का बंद कर ले। ये प्रक्रिया यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तब एक समय अधिक जगन स्थिति स्थान लेना चाहिए, उसमें भी कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान पूर्वोक्त क्रम से भोगे। ये जो प्रक्रिया बताई गई है परिणामों की, उस अनुसार इस तरह दो समय अधिक जगन स्थिति से लगाकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञानावरण कर्म की स्तुति पूर्ण करे। कितने समय से लगाकर? दो समय से, क्योंकि पहले समय की प्रक्रिया पहले बताई, उसके बाद दूसरे समय से लेके जगन स्थिति से सबसे छोटी से लेकर ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? मोहिनी की। ज्ञानावरणी की कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञानावरण की स्थिति पूर्ण करे। इस तरह से ही सब मूल कर्म प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियों का क्रम जानना चाहिए। अभी तो भाव परावर्तन में ज्ञानावरणी की तरफ से बात की गई है, इसके बाद जितनी भी कर्म प्रकृतियां और शेष हैं उनका भी ऐसा ही क्रम जानना चाहिए। जगन्य की बात की है, एक समय का बंद और उसके उदय की बात की है, यहाँ तो असंख्यात और अनंत की चर्चा है। इस क्रम से जानते हुए, इस तरह परिणमन करते हुए अनंत काल व्यतीत हो जाता है। उस सब को इकट्ठा करने पर एक भाव परिवर्तन होता है। अभी समझना, सिर्फ अभी ज्ञानावरणी कर्म की व्याख्या की गई है, बाकी शेष कर्म प्रकृतियों की बात नहीं की गई। लेकिन उन्होंने कहा इसी क्रम से उन सबको भी जानना, इस तरह है कि अनंत परावर्तन यह जीव भोगता आया है। देखिए एक फुटनोट में कुछ बात लिखी है, अपनी मूर्खता को क्या कह रहे हैं, किसको भोगता आया है यह जीव? अपनी अज्ञानता को। और अभी भी किसको भोग रहा है? जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो किसको भोग रहा है? अपनी अज्ञानता को। और कब तक भोगेगा? जब तक अज्ञानी रहेगा। अब मैं एक सरल बात कहूं, थोड़ा सा लिक्विड दूं जिससे कि कठिन बात डाइजेस्ट हो जाए, अंदर उतर जाए। अज्ञानी किसको कहा समय सार में? कर्म के परिणाम अरुणो, कर्म के परिणाम को। पहले तो ज्ञानी की परिभाषा, कर्म के परिणाम अरुणो, कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो कर्म परिणाम, नो कर्म के परिणाम यानी मोरागदेश परिणाम और मोरागदेश के परिणाम से होने वाले उदय जनित व्यवस्था को जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। और जो इसको करता है, जो इस उदय को भोगता है, उस उदय अनुसार परिणमता है, वो अज्ञानी है। तो अभी तक अनंत संसार क्यों हुआ? अपनी मूर्खता से हुआ। कैसे हुआ? अपनी मूर्खता से। ऐसा समझना, न्याय की भाषा में एक बात कही गई है, अजाकृपाण व्रत न्याय। अज्ञानी को समझाने के लिए प्रयोग किया है। अजाकृपाण न्याय किसको कहते हैं? जैसे कोई शिकारी किसी बकरे की हत्या करने के लिए हथियार खोज रहा था, लेकिन हथियार धूल के कारण नीचे दब गया था, मिट्टी में दब गया था, है, और बकरा कहाँ खड़ा हुआ था? उसी जगह स्थान पे खड़ा था जहां पे धूल के नीचे वो दबा है। अब वह खोज रहा है कि मिले तो मैं इसकी हत्या कर दूं, वो मिल नहीं रहा था, और उसी समय इस बकरे ने अपने ही पैर से जमीन को खोद दिया। तो क्या होगा कि वो हथियार जो छुपा हुआ था वो निकल के आया और इसने अपने ही हाथों से अपनी हत्या करा ली। इसको कहते हैं अपनी मूर्खता से अनंत संसार बढ़ाना। यानी अभी तक जो संसार परावर्तन चल रहा है उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का उदय नहीं है, कर्म व्यवस्था नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, कोई बाह्य निमित्त नहीं है, सिर्फ अनंत संसार का कारण जीव की अपनी मूर्खता और अपनी भूल ही। इस तरह से अभी ये चर्चा को आज यहीं विराम लेते हैं। एक गाथा जो रह गई है जिसमें पंच परावर्तन के कथन को विराम देने के लिए अंतिम गाथा लेंगे, चूंकि समय हो गया है और आज हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार जो हैं उनके द्वारा भक्ति पाठ होना है और हमने उन्हें सूचित भी किया था, स्वीकृति भी हो गई थी, इसलिए उनका लाभ लेते हैं। हमारे नरेंद्र जी दलावत परिवार से आदरणीय माता जी जो हैं वो लेंगे। अनम्यूट करिएगा आप।
अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, अब आने लगी, आने लगी जी। सिदानंद चैतन्य प्रभु का कर ले तू गुणगान, कितना अवसर मिला मां, न कितना अवसर मिला मां। सिदानंद चैतन्य प्रभु कर ले तो गुणगान, कितना अवसर मिला मां, न कितना अवसर मिला मां। कठिन कठिन से नर बल पावे, वितियों में तू से गमा, कठिन कठिन से नर बल पावे, वितियों में तू से गमा। धर्म भावना कभी न लावे, या ते जग में दुख ही पावे, छोड़ सभी जग जाल को अब तू कर, आत्म ध्यान कितना अवसर मिला मां, कितना अवसर मिला। छोड़ सभी जग जाल को अब तू कर ले आत्म ध्यान, न कितना अवसर मिला मां। सिदानंद चैतन्य प्रभु का कर ले तू चारों गति में चक्कर खाए, फिर भी देख तू सुख नहीं पावे, चारों गति चक्कर खाए, फिर भी देख तू सुख नहीं पावे। वीर प्रभु की शरण में आए, यही एक संदेश सुनावे, वीर प्रभु की शरण में आए, राग द्वेष मोह कर्म का कर दे तू अवसान, कितना अवसर मिला मां, कितना अवसर मिला मां। सीतानंद चैतन्य प्रभु का कर ले तू गुणगान, कितना अवसर मिला मां। सम्यक दर्शन जब हो जावे, आत्म ज्योति सदिकलावे, सम्यक आत्म ज्योति सदिकलावे, केवल ज्ञान इसी से आए, स्वयं सिद्ध सुख शाश्वत पावे, केवल स्वयं सिद्ध सुख शाश्वत पावे। कर्म शत्रु को मार भगा तू बन जा रे भगवान, कर्म शत्रु को मार भगा तू बन जा रे भगवान,
नदितानंद चैतन्य प्रभु का करने तुम बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे आदरणीय माता जी जो की दलावत परिवार से हमारे उदयपुर से जुड़ते हैं उनके द्वारा ली गई। चिदानंद चैतन्य प्रभु का कर ले तू ध्यान, कितना अवसर मिला महान। वास्तव में अपूर्व अवसर हमारे हाथ में आया है, चिंतामणि रत्न हमारे हाथ में आया है और इस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करके हम अपने प्रयोजनभूत लक्ष्य को यदि साध लें तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसी मंगल प्रेरणा देने वाली, संसार के अभाव की भावना जागृत कराने वाली यह सुंदर भक्ति अभी आपके द्वारा ली गई। आइए भाव प्रतिक्रमण के पाठ के साथ में अभी हम कल की क्षेत्र वंदना की जानकारी प्रेषित करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, रत्नों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूँ, मैं रहूँ इस प्रकार में इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। नमः सिद्धेभ्य। और आइए कल की मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में हम और आप सभी जो क्षेत्र को चलेंगे अब मध्य प्रदेश की ओर आ रहे हैं हम वापस। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, यद्यपि बहुत प्रसिद्ध नहीं लगता है लेकिन कोई जानता भी हो तो अलग बात है। एक नरवर करके एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसके निकटवर्ती जानकारियां मैंने अभी और थोड़ी उपलब्ध की हैं, निकटवर्ती जिला और क्या है उसकी जानकारी कल प्रातः काल आपको प्रेषित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है इस क्षेत्र पर और शुद्ध तेरापन थामनाएं से यहाँ पर विधि होती है। देखिए एक जानकारी आ गई हमारे ग्रुप में, शिवपुरी के निकट में ही है यह क्षेत्र नरवर, तो कल प्रातः काल हम उस क्षेत्र के दर्शन पूजन को चलेंगे। बहुत प्राचीन प्रतिमाएं वहां उस क्षेत्र में हैं, यद्यपि है मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, एक ही वेदी पे अनेक प्राचीन प्रतिमाएं और नवीन वर्तमान की प्रतिमाएं विराजमान है। क्षेत्र बहुत सुंदर है, दर्शन मंदिर बहुत सुंदर है, इसलिए कल प्रातः हम सभी उस मंदिर के दर्शन करते हुए और जिनेन्द्र भगवंत की पूजन के क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परिवार के सदस्यों को। आज अच्छा शर्मिला जी, पंकज जी ले रहे हैं। हाँ जी ठीक ठीक, अनम्यूट करिएगा। हेलो आती आवाज। आचार्य कुंज कुंज जो रत्न दिखाते, सुदा सुदा तार कहो कौन पिलाते,
दर्शन तेरी दे हमने किए जाते मंदिर से फिर लौट के आए यहाँ उपदेश को लेके दिन वाणी हमें आज न जो आप सुनाते सुदातार कौन कौन पिलाते मान ले नाटक है समय सार बनाया अजूरी सुधा चंद्र ने है कलश चढ़ाया जय चंद्र से विद्वान ज्योति कान रचाते शुद्धात्म सुधा तार कहो कौन पिलाते प्रवचन नियम सारे बंत बनाए पंचाशिकाए अस्त पाहु ग्रंथ रचाए निज पद का भेद ज्ञान हमें जो न सिखाते शुद्धात्म सुधा तारे कहो कौन पिलाते ये जीव है जवार से बहु रूप कहाता ये नियत नए एक सदा बैठा जाता नए पक्ष हमें आके न जो आप सुझा दे शुद्धात्म सुधा तारे कहो कौन पिलाते भगवान कुंद कुंद जो रत्न दिखाते शुद्धात्म सुधा तारे कहो कौन पिलाते आचार्य कुंद कुंद स्वामी को मंगल स्मरण सृजन वाणी पाठ के माध्यम से आपके द्वारा किया गया। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के बाद में यहाँ पर माँ जिनवाणी को पुनः पुनः भाव वंदन करते हुए काय उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोए सव साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोए सव साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोए सव साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय बोले वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगल आराधना का क्रम हमारा स्वाध्याय के साथ में जिन दर्शन का चल रहा है आगामी दिवसों में भी यथासंभव यह यात्रा और जिन दर्शन के क्रम के माध्यम से हम सभी अपने परिणामों की संभाल करें और परिणामों की संभाल ही वास्तव में इस पर्याय की सार्थकता कहलाएगी। परिणाम संभालने का मतलब है हम जितना जितना विकल्प जंजालों से बचकर देव शास्त्र गुरु की आराधना करें और उनके माध्यम से अपने स्वरूप का परिचय करें तो यह जीवन सफल होगा। इसी मंगल भावना से कि सभी जीव आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हों विराम लेते हैं। सभी को जय जय।